Assalamu alaikum, my YouTube family. Welcome back to Beyond Winter, the place where we explore the most stunning, breathtaking adventures, destinations. And आज भी आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत destination लेकर आई हूँ, तो stay tuned. बहुत ही प्यारा डेस्टिनेशन ढूंढ कर लाई हूँ आपके लिए, द ब्रेथ टेकिंग पैराडाइज वैली इन डर्बन. पैराडाइज वैली की जब हिस्ट्री की बात आती है तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही कदीम जगह है. यहाँ के जो बहुत ही कदीम बाशिंदे, जिनमें सैन और खोई खोई जो इंडिजिनस पीपल थे, यहाँ के वो जो लोग थे वो यहाँ रहते थे. नाइनटीन्थ सेंचुरी में जब कॉलोनियल एरा आया तो कॉलोनिस्ट जो है ना, यूरोपियन कॉलोनिस्ट यहाँ पर आए, उन्होंने इस वैली को कम्प्लीटली चेंज कर दिया. हमारे घर में छत के ऊपर आते हैं. ज़मीन चूँकि फर्टाइल थी तो इस वजह से ये एग्रीकल्चरल लैंड होने की वजह से तो यहाँ के इर्द गिर्द फार्म्स बनाए. इसी तरह वक्त के साथ साथ लोगों ने इस खूबसूरत वैली की ब्यूटी को डिस्कवर करना शुरू कर दिया. इसकी खूबसूरत ग्रीनरी, नदी नाले और आबशार ने विजिटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया. वहाँ भी जाना है. इसी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए 20वीं सदी में इसकी कंजर्वेशन का काम शुरू हुआ. क्योंकि ये बहुत सारे एनिमल्स का मस्कन है. Waterfalls, hiking trails and rock pools made it an attractive spots for outdoor visitors. यहाँ पर फेस्टिवल्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होते हैं, इसीलिए ये जगह इकोनॉमी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है.
के लिए यार जाने तो जनाब ये सब देखकर आपको इसकी खूबसूरती और स्पेशलिटी का थोड़ा तो अंदाजा हो गया होगा। ऑलरेडी हम लोग चल चल के थक चुके हैं। यहाँ पर ना सिर्फ आपको इस तरह सीनिक वेव्स मिलेंगे बल्कि It's all about the adventure, जो यहाँ पर हमारा इंतज़ार कर रहा था। और हमें तो ये बात नहीं पता थी कि यहाँ पर आगे हम स्ट्रॉलर लेकर नहीं जा सकते, इसलिए बच्चे को उठा उठा कर सिर्फ मुझे ही चलना पड़ा, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे बगैर किसी और के पास जा ही नहीं रहा था, तो इसलिए मुझे ही उसको उठाना था और हाइकिंग भी करनी थी। किसी ने कहा मुझसे कि आप एक्सरसाइज करते हैं, तो मैंने कहा हाँ रोज़ करती हूँ, अपना टोटलर बेबी उठा उठा के चलती हूँ। देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कितना खूबसूरत लैंडस्केप है। मेरा बेटा है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, ये सोच के मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है, मगर दिल को तसल्ली दे रही हूँ कि चलो वेट तो लॉस होगा मेरा, इतना वेट उठा के जो ट्रैकिंग कर रही हूँ ये भी एक एडवेंचर है। वैसे आज के इस एडवेंचर से मुझे पता चला आई हैव गट्स, आई कैन डू डेयरिंग थिंग्स। यू नो जब आप एडवेंचर करते हैं ना, मतलब हम, तब हमको पता चलता है कि वी आर कैपेबल ऑफ सो मच मोर देन वी थिंक। क्योंकि जो हमारी डेस्टिनेशन है वहां तक हमें भी पहुंचने में टाइम लगेगा। ऐसे जंगलों से मुझे शुरू से डर लगता है, ये कहीं कोई जानवर आके अटैक ना कर दे, ये भी थोड़ा ऐसे ही था, लेकिन वो तो शुक्र है लोग आए जा रहे थे, कोई जा रहा था वाटरफॉल की तरफ, कोई वाटरफॉल से आ रहा था। तो wow, the sound of flowing water, it's pure magical. वैसे आज की ट्रेकिंग में जो मज़ा आया वो हम बयान नहीं कर सकते, वैसे रास्ता हमारे तवक्कुआत से ज़्यादा लंबा निकला।
जनाब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म और हम पहुंच गए। ये है वो वाटरफॉल जिसके लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत की और हम फाइनली पहुंच गए। वाह, हमें तो ऐसा लगता है जैसे हम कम्प्लीटली रिचार्ज हो गए हैं वापस अपनी दुनिया में जाके कम्पीट करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोकल से हमारी बातचीत हो गई थी जिन्होंने कुछ ऑकवर्ड सी बात बता दी इस वाटरफॉल के बारे में कि लोग यहाँ आते हैं वो अपना बैड लक और बैड स्पिरिट्स धोने के लिए आते हैं। वैसे हमने भी नोटिस किया कि वाइट ड्रेस पहने हुए लोग वहाँ पर थे और कुछ अजीब सी प्रैक्टिसेस कर रहे थे। खैर, अंदर की बात हमें भी नहीं पता और ना ही हमने उनसे जानने की कोशिश की। एनीवे, हम तो यहाँ इंजॉय करने के लिए आए थे और वही कर रहे हैं। तो जनाब, ये था हमारा आज का एडवेंचर। हम लोग बहुत थके हुए हैं, नीचे उतर रहे हैं, बल्कि उतर चुके हैं और भूख भी लग रही है। अरशान चूँकि बाहर का कोई खाना नहीं खाता इसलिए अरशान का खाना घर से ही साथ लेकर आना पड़ता है। तो अभी अरशान को बैठकर खाना खिलाएंगे नीचे घास पे और उसके बाद हम लोग अपने लिए खाने का कोई ठिकाना ढूँढते हैं। और जब हम अब रैप अप करने लगे हैं तो आई वांट यू टू टेक अवे फ्यू थिंग्स। नंबर वन, एडवेंचर करें। क्यों? क्योंकि इट फ्यूल्स आवर स्पिरिट्स एंड ब्रॉडन आवर हॉरिजॉन्स। मैं ये हर वक्त बोलती रहती हूँ और ये मेरा मोटो भी है। और नंबर दो, प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर एंड फाइंड योर ओन पैराडाइज। अपने आप के अंदर अपनी जन्नत को डिस्कवर करें। वो कहते हैं ना, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। इसीलिए अपने आप को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, अपने सेल्फ को कल से बेहतर बनाना चाहिए। इसी तरह ही हम रिचार्ज होंगे और एक पॉजिटिव वे में हम इस दुनिया में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। आई होप यू एंजॉयड आवर लिटिल एडवेंचर इन पैराडाइज वैली। If you did, then subscribe my channel, like and share my video. Milte hain agle kisi vlog mein, tab tak ke liye stay positive and spread positivity. This is Beyond Venture signing off from Paradise Valley. Catch you in next time. Tab tak ke liye bye bye.